Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, in today's video, I'm going to review this product by the brand Aqualogica. So this is their Glow Plus Dewy Sunscreen. This has got papaya and vitamin C in it. So papaya kya karta hai? Aapki skin ko brighten karne mein help karta hai. Aur vitamin C bhi brightening mein kaam karta hai. Aur papaya brightening and hydrating dono mein work karta hai. Theek hai? और पपाया जो है ना नेचुरल पपाया एक्ने पिंपल पे भी बहुत अच्छे से वर्क करता है. ठीक है. सो इट हैज गॉट एसपीएफ 50 प्लस पीए 4 times+ यूवीए एंड यूवीबी प्रोटेक्शन है एंड इसमें यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी है. ठीक है. सो दिस इज नॉट एट ऑल अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट. एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन्स काफ़ी फेमस है मार्केट में. आई थिंक मैंने अपनी स्किन केयर कलेक्शन में भी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि ये मेरी सनस्क्रीन कलेक्शन में अवेलेबल है. तो मैं इसको ट्राई कर रही थी एंड मैं इसका रिव्यू करना भूल गई थी. सो आई थिंक ये ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुँच गई है. ऑलमोस्ट यहाँ तक है एंड अब समझ आ गए हैं सनस्क्रीन तो भाई यूज़ करनी पड़ती है. मेरे साथ ऐसा अक्सर ऐसा हो जाता है ना बिकॉज आई बाय सो मैनी प्रोडक्ट्स, आई ट्राई अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. सो कभी कभी चीज़ें बैक सीट ले लेती हैं. सो हो जाता है. ठीक है. नॉर्मल है. सो दिस इज देयर ग्लो प्लस ड्यूई सनस्क्रीन. इट हैज़ गॉट पपाया, विटामिन सी इन इट. और लेट मी जस्ट चेक आउट द पैकेजिंग एंड रीड आउट टू यू कि ये सब क्या है. सो इसमें ब्लेंड ऑफ नेचुरल फ्रूट्स हैं और एक्टिव्स हैं. ठीक है. सो ब्लेंड ऑफ नेचुरल फ्रूट्स क्या है? पपाया. ठीक. उसमें विटामिन सी है, हाइड्रोनिक एसिड है जो आपकी स्किन को रेडियंट ग्लो प्रोवाइड करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और ब्राइटन अप करता है. सनस्क्रीन का काम होता है सन प्रोटेक्शन देना. बाकी इसमें और कुछ हो चाहे ना हो, इट्स ओके. इट शुड बी लाइट वेट, इट शुड बी नॉन ग्रीजी एंड इट शुड जस्ट प्रोवाइड गुड प्रोटेक्शन. इट इज़ वेरी लाइट वेट, इट इज़ वेरी हाइड्रेटिंग एंड इट इज़ नॉन ग्रीजी. सो ये तीन फैक्टर होने चाहिए. फर्स्टली वाइट कास्ट ना दे कोई भी सनस्क्रीन, चाहे कोई भी ब्रांड की आप यूज़ करो, वाइट कास्ट नहीं होना चाहिए. सेकेंड, इट शुड बी नॉन ग्रीजी. एंड थर्डली आपको अच्छे अमाउंट की सन प्रोटेक्शन दे. मिनिमम एसपीएफ 30 ज़रूर होना चाहिए आपकी सनस्क्रीन में अगर आप आउटडोर्स जा रहे हो दिल्ली की समर्स में. ठीक है. सो बहुत क्विकली ब्लेंड हो जाती है, बहुत क्विकली. इट्स रियली वेल अंडर द मेकअप और मैं ऑलमोस्ट इसे डेली यूज़ कर रही हूँ, ख़त्म होने वाली है एज आई सेड. और कुछ खास इसकी इतनी कोई खास फ्रेगनेंस तो नहीं है इसकी, क्योंकि काफ़ी लोगों का मैंने रिव्यू देखा था, लोगों को लगता है एक्वालॉजिका के प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा फ्रेगनेंस है, बट मुझे ऐसा नहीं लगा. उसके बाद इंग्रेडिएंट लिस्ट इनकी पैकेजिंग पे भी दी है एंड एक्वालॉजिका की वेबसाइट पे भी आपको इजीली मिल जाएगी. ठीक है. और इन्होंने थोड़ा सा अपना यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है जो क्या करती है, इंग्रेडिएंट्स को स्टिमुलेट करती है एंड क्लीनिंग. हाँ, पावर्ड विद यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी एंड क्लिनिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट्स दैट टुगेदर स्टिमुलेट द फॉर्मुलेशन ऑफ एक्वा पोरिन वाटर चैनल्स इन स्किन टू गिव यू इंटेंस हाइड्रेशन. आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स, बट बेसिकली इट मीन्स कि ये आपकी स्किन में हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है. देखो, जैसे कि मैंने कहा, मेरे लिए सनस्क्रीन को यूज़ करने के दो तीन फैक्टर होते हैं. फर्स्टली वाइट कास्ट नहीं आना चाहिए, दूसरा मेकअप के अंडर सही से बैठना चाहिए. मेकअप लगाऊं तो ऐसा ना हो मुझे डिफरेंट सनस्क्रीन यूज़ करनी पड़े, इस पर ना सेट करे. तो नया वाइट कास्ट आता है, मेकअप के अंडर बहुत अच्छे से वर्क करती है. एसपीएफ 50 है, बहुत अच्छे से हाइड्रेटिंग है, गुड, ग्रीजी नहीं है, नॉन स्टिकी है. तो मेरे लिए सनस्क्रीन परफेक्ट है, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो. ठीक है. उसके बाद ये एक्वा पोरिन्स वगैरह क्या होते हैं, आई हैव नो आइडिया. आप अपनी रिसर्च कर लेना और मुझे भी बता देना, आई हैव नो क्लू. ये इतने फैंसी वर्ड्स ये जो ब्रांड्स यूज़ करते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आती क्यों करते हैं. ठीक है. हाइड्रेट करता है स्किन को, टैनिंग प्रिवेंट करता है. ठीक है. और स्किन पे ग्लो देता है. बस यही करती है ये सनस्क्रीन. ऑल इन ऑल फ्रॉम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ फॉर 399 रुपीज़. आई बिलीव जो भी सनस्क्रीन इस पैकेजिंग में आती है ना इस तरह की, या तो वो 399 की होती है या 499 की होती है. ठीक है. 100% वीगन प्रोडक्ट है, 50 ग्राम्स इसकी प्रोडक्ट क्वान्टिटी है, 24 मंथ्स इसकी शेल्फ लाइफ है. कोई सल्फेट नहीं है, कोई पैराबिन नहीं है, कोई मिनरल ऑयल नहीं है. आई थिंक आजकल किसी भी प्रोडक्ट में ये सब होता ही नहीं है. ब्रांड्स ने रट्टा मार लिया कि भाई ये सब होगा ना तो कोई खरीदेगा नहीं. तो एनीवेज, सो या, सो बेसिकली विटामिन सी है. विटामिन सी सनस्क्रीन के इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत अच्छे से वर्क करता है. सो ये स्किन ब्राइटनिंग का काम करता है और इट इज़ वेरी मॉइस्चराइजिंग ऑल्सो.
अगर कभी कभी समर्स में ऐसा होता है ना, मन नहीं करता मॉइस्चराइजर लगाएं, फिर सनस्क्रीन लगाएं, फिर ये लगाएं वो लगाएं, तो आप डायरेक्टली सनस्क्रीन को भी यूज़ कर सकते हो विदाउट मॉइस्चराइजर। मैं ऐसा कर लेती हूँ और स्किन अच्छे से हाइड्रेट रहती है। इट इज़ वेरी मॉइस्चराइजिंग, इट इज़ वेरी गुड। आई वुड रिकमेंड दिस फॉर ऑल स्किन टाइप एक्सेप्ट पीपल हु हैव एक्सट्रीमली ऑयली स्किन, बिकॉज इफ़ यू हैव एक्सट्रीमली ऑयली स्किन समर्स में वो और ऑयली हो जाएगी और ग्रीजी हो जाएगी। तो ये क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है, तो क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट आइडियली ऑयली स्किन पे इतने अच्छे से वर्क नहीं करता है समर्स में। सो आप स्टोर वगैरह में जाके या तो इसका टेक्स्चर ट्राई कर लेना, बट आई वुड से कि आप किसी जेल बेस्ड प्रोडक्ट की तरफ जाओ। दिस विल नॉट रियली वर्क फॉर पीपल हु हैव वेरी ऑयली स्किन या बहुत स्वेटी स्किन है। ऐसा नहीं है कि मुझे स्वेट हुआ है इसको यूज़ करके, बट आई फील कि अगर आपकी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है तो आई थिंक ये क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट थोड़ी सी स्वेटिंग आपको दे सकता है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप मुझे कॉमेंट्स में बता देना कि आपके लिए कैसे वर्क कर रहे हैं, ताकि और व्यूवर्स के लिए भी यू नो हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि मेरी स्किन इतनी ऑयली नहीं है। तो मेरा कैमरा ना बीच में बंद हो गया था, सो आई वाज सेइंग कि मेरी स्किन इतनी ऑयली नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना इन केस यू हैव लाइक ऑयली स्किन कि आप लोगों के लिए कैसे वर्क करिए, बिकॉज मेरे हिसाब से इतने अच्छे से वर्क नहीं करती है क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट ऑयली स्किन के लिए। एनी विच वे, सो दिस इज लाइक ऑल फॉर माय मिनी रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। इन केस यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय बाय।